हाल ही में पीएम मोदी ने शानदार आलीशान मुंबई मेट्रो का उद्घाटन किया है। मुंबई के लिए भी बहुत बेस्ट है और इजीली ट्रैवल कर पाएंगे, टाइम भी बचेगा, एक्सप्रेस भी बचेगा। बहुत अच्छा लग रहा है पहली बात तो, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे हुआ है। इससे जो अपना ट्रैफिक होता है वो कम हो जाएगा और मतलब लोगों को बहुत राहत मिलेगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये प्रोजेक्ट 2 साल देरी से पूरा हो पाया है। ये मार्च 2021 में ही खुला था, लेकिन खुला ये जनवरी 2023 में। ये देरी क्यों हुई? क्या मोदी जी की गलती थी या कोविड की वजह से देरी हुई? नहीं जी, देरी का कारण था एक्सीडेंटल सीएम का महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठ जाना। एक्सीडेंटल सीएम की खिचड़ी सरकार ने बॉलीवुडियों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करके मेट्रो के काम में देरी करवा दी। मेट्रो मुंबई जैसी जगह जहां रोजाना 70 लाख लोग मुंबई लोकल में यात्रा करते हैं, उसमें से करीब 10 लाख लोग अब आराम से सफर कर सकेंगे। मेट्रो का ये आराम मोदी जी पिछले 8 सालों में 20 से ज्यादा शहरों में पहुंचा चुके हैं, जबकि 65 साल में यूपीए और अन्य सरकारें केवल 5 शहरों में ही पहुंचा पाई थी। ये बदलाव सिर्फ मेट्रो में ही नहीं हुआ है, ट्रेनों का भी जबरदस्त कायाकल्प हुआ है। तेजस ट्रेन देश में पहली बार आम लोगों के लिए ऐसी ट्रेन का संचालन हो रहा है जिसमें हवाई जहाज की तरह ट्रेन होस्टेस आपको सर्विस देती है। एंटरटेनमेंट के लिए बढ़िया एलईडी स्क्रीन भी लगी है और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे का भी भरपूर इंतजाम है। मोदी जी की सरकार से पहले भारतीय ट्रेनों में इस तरह की सुविधाओं की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सुनिए तेजस के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि हम इंडिया में भी अभी बहुत अच्छा हो रहा है और ट्रेन बदल रही हैं। सोचिए अगर सहाद्री के घाट हो या नॉर्थ ईस्ट के सुंदर चाय के बागान, आप ट्रेन के अंदर से देख सकते हो। 180 डिग्री की कुर्सी पर बैठकर, शीशे से 180 डिग्री पर घूमने वाली चेयर पर बैठकर, ये बदलता चेहरा जो है आप ही के टैक्स के पैसे के ही सही इस्तेमाल से बदला है। 2014 के मुकाबले 2022 के रेलवे बजट में 120.949% का इजाफा हुआ है और आपके टैक्स के पैसे से देश में 475 स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन भी बन रही है, जिनमें से 8 तो ऑपरेशनल भी है। जहां जन शताब्दी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती थी, वहीं वंदे भारत 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। इसकी वजह से सफर आरामदायक होने के साथ साथ आपका समय भी बचता है, आम की आम गुठलियों के भी दाम। ये बदलाव यूं ही नहीं आया, सिर्फ सरकार नहीं बदली, पूरा का पूरा रवैया भी बदला है और ये बदलाव आपको पटरी पर चलने वाली ट्रेन से लेकर स्टेशन तक पर भी दिखाई देगा।